आज से लगभग 200 साल पहले अंग्रेज सैन्य अधिकारी कर्नल टॉड ने पश्चिमी राजस्थान की यात्रा की। उसने अपने यात्रा संस्मरण में मरुस्थल के खानपान का बहुत रोचक वर्णन किया है। उसने लिखा है कि इस क्षेत्र में खेती की अत्यधिक न्यूनता होने के कारण जंगली वनस्पतियों का समाज एवं संस्कृति पर विशेष प्रभाव पड़ा है। खेजड़ी की फलियों अर्थात सांगरी को पीसकर आटा बना लिया जाता है। इसे पानी तथा छाछ में घोलकर पिया जाता है। जाल नामक झाड़ियों से चरवाहों की झोंपड़ियां बनती हैं और जेठ बैसाख में उनमें फल लगते हैं जिन्हें पीलू कहा जाता है। यह भी खाने के काम आता है। बबूल से गोंद निकलता है जिससे औषधि का निर्माण होता है। जवासे के गोंद से भी दवाई बनती है। बेर की झाड़ियाँ सर्वाधिक पाई जाती हैं और बहुउपयोगी होती हैं। बेर एक स्वादिष्ट फल होता है। करील अथवा कैर के फलों से सब्जी और अचार बनते हैं। इसकी झाड़ियाँ 10 से 15 फुट ऊंची होती हैं। इसके फल को नमक के पानी में गलाकर इसे घी और नमक के साथ रोटी से खाते हैं। कई परिवारों के पास इसका 20 मन तक का संचय रहता है। राबड़ी, जो अफ्रीकी मरुस्थल में बनाए जाने वाले कुसकोस नामक व्यंजन से बहुत साम्य रखता है, अधिकतर ऊँटनी के दूध से बनता है, जिससे घी ये लोग पहले ही निकाल लेते हैं। सिंध से ऊँटों और घोड़ों पर लदकर सूखी मछलियाँ आती हैं और संपूर्ण मरुस्थल में तथा पूर्व में बाड़मेर तक उनकी खूब बिक्री होती है। ये मछलियाँ 2 डूकरे अर्थात तांबे के 2 सिक्कों की एक शेर के हिसाब से बिकती हैं। कुछ शेर बाजरा, ज्वार और खेजड़े का आटा छाछ में घोल लेते हैं और फिर उसे आग पर चढ़ाकर गर्म करते हैं, उबालते नहीं हैं। कर्नल टॉड के इस वर्णन को 200 साल से अधिक समय बीत चुका है। इस बीच थार रेगिस्तान में इंदिरा गांधी नहर के आने से परिस्थितियाँ बदली हैं। फिर भी यहाँ के निवासियों में सब्जियों को सुखाकर संचय करने तथा उन्हें साल के उस भाग में इस्तेमाल करने की प्रवृत्ति है जब वे खेतों में प्राकृतिक रूप से उपलब्ध नहीं होती। इनमें से कुछ प्रमुख सब्जियों के बारे में इस वीडियो में बताया गया है। काचरी, कार्तिक मिक्सर माह में काचरियाँ तथा चिमड़ियाँ मिलती हैं। ये छोटी छोटी बेलों पर लगने वाले छोटे आकार के फल हैं जो कच्ची अवस्था में कड़वे तथा पकने पर खट्टे होते हैं। एक काचरा लगभग 20-30 ग्राम का होता है। ये दिवाली के आसपास कड़वी से खट्टी पड़नी शुरू होती हैं तथा सर्दियों में उपलब्ध रहती हैं। इनकी सब्जी एवं चटनी बनती है तथा सुखाकर भी रखी जाती हैं। छोटी काचरियों को सिराडिया अथवा चिराडिया कहते हैं। छील कर सुखाए हुए काचरियों की माला गोटका कहलाती है। जब काचरियों की फांकें काट कर सुखाई जाती हैं तो उन्हें लोथरे कहते हैं। सुखाकर रखी गई काचरियाँ 2-3 साल तक प्रयुक्त हो सकती हैं। इन्हें अन्य सब्जियों में खटाई अथवा अमचूर की तरह भी इस्तेमाल किया जाता है। काचरा, खेतों में फसलों के साथ काचरे की बेलें स्वयं उगती हैं जिनके फल को मारवाड़ में काचरा तथा पूर्वी राजस्थान में सेंध कहा जाता है। ये काचरियों की तुलना में काफ़ी बड़े होते हैं। एक काचरा 100 ग्राम से लेकर 0.5 किलो या उससे भी अधिक भार का हो सकता है। ये भी दीपावली के आसपास पकती हैं तथा पूरी सर्दियों में उपलब्ध रहती हैं। इनकी सब्जी बनती है तथा फल एवं सलाद के रूप में कच्ची भी खाई जाती हैं। इन्हें छील कर तथा इनके गोल गोल चक्रे काट कर छाया में अथवा कम तेज धूप में सुखा लिया जाता है तथा बाद में सब्जी के रूप में उपयोग किया जाता है। कैर, कैर अथवा करील के फलों को मारवाड़ में कैर, पंजाब से लगते जिलों में डेले तथा ब्रज क्षेत्र से लगते जिलों में टेंटी एवं करील कहा जाता है। इसका फूल लाल रंग का तथा फल हरे रंग का होता है। चैत्र वैशाख में कैर की झाड़ी में कैर लगते हैं। हरे कैर प्राकृतिक रूप से कड़वे होते हैं। इन्हें बारी बारी से नमक के पानी, खट्टी छाछ तथा सादा पानी में भिगोकर इनकी कड़वाहट दूर की जाती है। अब ये हल्के खट्टे तथा हल्के नमकीन हो जाते हैं।
हरी कैर से सब्जी और अचार बनता है। इन्हें सुखाकर 2-4 साल तक काम में लिया जा सकता है। सूखी कैर से भी सब्जी एवं अचार दोनों बनते हैं। गैस, अपच, एसिडिटी आदि में सूखी कैर का पाउडर मेथी चूर्ण तथा काले नमक के साथ गर्म पानी से लिया जाता है। सांगरी, खेजड़ी से प्राप्त हरी फलियां सांगरी कहलाती हैं। ये वैशाख तथा ज्येष्ठ माह में तोड़ी जाती हैं। हरी फलियों को उबालकर उनसे सब्जी बनती है। उबली हुई हरी फलियों को सुखाकर भी रखा जाता है। आजकल ये देश विदेश में निर्यात की जाती हैं तथा सूखी हुई सांगरियाँ 1,000 रुपये किलो के आसपास बिकती हैं, अर्थात इनका भाव काजू एवं बादाम के आसपास रहता है। जब सांगरियाँ पेड़ पर ही पक जाती हैं और सूख कर पीली पड़ जाती हैं तो उसे खोखा कहते हैं। कर्नल टॉड ने बाजरे की आटे में सांगरी को पीस कर मिलाए जाने का वर्णन किया है। वह सांगरी की यही अवस्था है। चापटिया अथवा कुमट, कुमट के पेड़ से प्राप्त फल कुमटी और चापटिया कहलाता है। ये अगहन, पूस माह तथा फागुन माह में तोड़े जाते हैं। इनकी सब्जी बनती है तथा इन्हें कैर, गूंदा, मेथी, काचरी, सांगरी आदि के साथ मिलाकर इनकी सब्जी बनाई जाती है। सूखी हुई चापटियाँ 2-3 साल तक चल सकती हैं। सूखी हुई चापटियों की सब्जी बनती है तथा इसे रेगिस्तान की अन्य सूखी सब्जियों के साथ मिलाकर भी बनाया जाता है, जिसे पचकूटे की सब्जी कहा जाता है। फोग, फोग एक रेगिस्तानी झाड़ी है जिसकी टहनियाँ कुआं खोदने के समय बहुत काम आती हैं। इन झाड़ियों पर छोटा फूल लगता है जो स्वाद में हल्का खट्टा होता है। फोग के फूलों को सुखाकर उनका रायता बनाया जाता है। यह लू लगने पर बहुत उपयोगी होता है तथा शरीर में पानी की कमी नहीं होने देता। पेट की छोटी मोटी बीमारियों में भी फोग का रायता उपयोगी है। टिंडा, टिंडा सामान्यतः सारे देश में पाया जाता है, किंतु मारवाड़ में देशी टिंडे की एक अलग वैरायटी होती है जो बारानी फसलों के बीच स्वतः उगती है। यह हरे रंग में नीले रंग का आभास देती है तथा इसका आकार सामान्य टिंडे से लगभग 2 से 3 गुना तक बड़ा होता है। इसके बीज पकने पर काले पड़ जाते हैं। जब देशी टिंडे में बीज काले पड़ने लगते हैं तब उन्हें काट कर उनके बीज अलग करके फेंक दिए जाते हैं तथा शेष टिंडे को सुखा लिया जाता है। इस सूखे हुए टिंडे को वर्ष के अन्य महीनों में सब्जी के रूप में खाया जाता है। करेला, अब तो करेला धरती के किसी न किसी छोर पर उपलब्ध होने से साल भर ही बाजार में आता है, किंतु पहले ऐसा नहीं था। यह कुकरबिटेसी जाति की फसल है जो अपने मौसम में ही फलती फूलती थी। मारवाड़ में करेले को भी काटकर सूखा लिया जाता था तथा इसे साल के अन्य हिस्सों में सब्जी के रूप में प्रयोग किया जाता था। मतीरा, मतीरा एक रेगिस्तानी बेल है। दिखने में यह तरबूज की तरह होता है। यह पीने के पानी, विटामिन तथा मिनरल्स का अच्छा स्रोत होता है। इसका गूदा सफ़ेद, हल्का लाल एवं हल्का पीला होता है। इसे फल की तरह कच्चा खाया जाता है तथा इसके कच्चे गूदे एवं छिलके की सब्जी बनती है। इसके छिलकों को सुखाकर रख लिया जाता है तथा उनकी भी सब्जी बनती है। गूंदा, गूंदा बहुतायत से पाया जाने वाला पेड़ है। इसकी 2 प्रमुख वैरायटी होती हैं। छोटी छोटी गूंदियाँ पकने पर फल की तरह खाई जाती हैं तथा बड़ी वैरायटी के हरे गूंदे सब्जी एवं अचार के रूप में प्रयुक्त होते हैं। इस हरे एवं बड़े गूंदे को आधा उबालकर सुखाया जाता है तथा वर्ष के अन्य हिस्सों में पचकूटे की सब्जी के अन्य अवयवों के साथ मिलाया जाता है। सूखा गूंदा बाजार में भी खूब बिकता है। ग्वार फली, ग्वार फली पूरे देश में उपलब्ध होने वाली सब्जी है। इसकी बहुत सी वैरायटियां मिलती हैं, किंतु मारवाड़ में इसकी देशी वैरायटी उगती है जिसे आधा उबालकर सुखा लिया जाता है। ग्वार की यह फली अन्य वैरायटियों से आकार में बहुत छोटी होती है। सूखी हुई फलियों को अलग से अथवा अन्य सूखी सब्जियों के साथ मिलाकर बनाया जाता है। सूखी ग्वार की फली भी बाजार में आसानी से उपलब्ध हो जाती है। सूखी पत्ता मेथी, मारवाड़ में हरी पत्ता मेथी बहुतायत से प्रयुक्त होती है। इसे अलग से अथवा अन्य पत्तियों के साथ मिलाकर भूजी
एवं साग के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। मेथी की पत्तियों को पक जाने पर उन्हें छाया में सुखा लिया जाता है तथा अन्य सब्जियों एवं दालों में मसाले के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। सूखी हुई पत्ता मेथी को आलू के साथ मिलाकर उसकी भुजी भी बनाई जाती है। नागौर की सूखी पत्ता मेथी देश विदेश में बहुतायत से निर्यात होती है। इसकी महक दूर से ही इसकी उपस्थिति के बारे में बता देती है। हरीदाना मेथी। हरीदाना मेथी को रेगिस्तानी क्षेत्रों में मूंगिया कहा जाता है। मेथी की फलियों को खोलकर उनमें से हरा दाना निकाल लिया जाता है तथा इसकी सब्जी बनाई जाती है। हरे रंग की सूखी हुई दाना मेथी भी बाजार में उपलब्ध होती है। इसे कुछ घंटों तक पानी में भिगोकर इसकी रसयुक्त तथा सूखी सब्जी बनाई जाती है। सूखी हुई हरी दाना मेथी को पानी में भिगोकर इसे आलू के साथ मिलाकर भुजी की तरह भी बनाया जाता है। पीली दाना मेथी। दाना मेथी के दाने पक जाने पर पीले रंग के हो जाते हैं। इन दानों को पानी में भिगोकर अथवा उबालकर इन्हें हरी मिर्च, कैरी, ग्वारपाठा आदि के साथ इनकी सब्जी बनाई जाती है। इसे पेट के लिए अत्यंत गुणकारी माना जाता है। सूखे हुए आलू। सर्दियों के दिनों में आलू सबसे अच्छा स्वाद होता है। उन दिनों में यह बाज़ार में सस्ता भी होता है। उसे उबालकर उसकी बड़ियां बना लेते हैं या कद्दूकस करके लच्छे बना लेते हैं। इन बड़ियों एवं लच्छों को हल्की धूप में सुखा लिया जाता है तथा उन दिनों में सब्जी के रूप में काम लिया जाता है जब ताज़े आलू में प्राकृतिक रूप से स्वाद कम होता है। सूखे बेर। रेगिस्तान में बेर की कई प्रकार की किस्में पैदा होती हैं। इनमें से छोटी झाड़ियों पर लगने वाले लाल बेर तथा टीकड़ी बेर सुखा कर रख लिए जाते हैं तथा वर्ष के अन्य हिस्सों में प्रयुक्त किए जाते हैं। इनके अलावा लाल मिर्च, पुदीना, धनिया, कैरी आदि भी सुखा कर पूरे वर्ष काम में ली जाती हैं।